ओके गाइस चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ वाटर। सो जब भी बोलते हैं फ्लो रेट, फ्लो रेट को दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, या फिर मास फ्लो रेट यानी केजी पर सेकेंड। अब जब भी मेंशन ना किया हो यूनिट्स, इसका मतलब वो डिस्चार्ज पूछ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछ रहा है। अगर यहाँ लिखा होता ना कैलकुलेट द मास फ्लो रेट, या फिर लिखा होता फ्लो रेट इन केजी पर सेकेंड, तभी आप मास फ्लो रेट लिखते हैं, अदरवाइज आप डिस्चार्ज लिख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिख रहे हैं। थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विच कन्वर्जेस फ्रॉम अ डायमीटर। अब देखिए यहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो पाइप है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर इस तरह का डाटा ना दिया हो, इसका मतलब है पाइप मींस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है ना। कन्वर्जेस फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव से उल्टा, है ना, यानी इनलेट, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव के साथ यानी आउटलेट। फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एट द अपस्ट्रीम सेक्शन टू 7.5 सेंटीमीटर एट डाउनस्ट्रीम सेक्शन। वो कहते हैं पाइप के इनलेट सेक्शन पे जो डायमीटर था वो 15 सेंटीमीटर था, आउटलेट सेक्शन पे डायमीटर है 7.5 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं गिवन दैट प्रेशर वैल्यूज एट अपस्ट्रीम, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है 400 किलो पास्कल, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है 150 किलो पास्कल। अब देखो ध्यान रखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में वो लोग एब्सोल्यूट नहीं गेज प्रेशर बताते हैं, मगर जब भी प्रेशर डिफरेंसेस की बात आती है, चाहे आप एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस ले चाहे गेज वैल्यूज का डिफरेंस ले, वो सेम आएगा, ठीक है। सो वो बोल रहे हैं अब ये कंडीशन है, इसका फ्लो रेट निकालो। सो फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पे मीन फ्लो वेलोसिटी पता लग जाए, है ना, मीन फ्लो वेलोसिटी पता लग जाए, सो एरिया इनटू मीन फ्लो वेलोसिटी डिस्चार्ज होता है। एरिया मुझे पता है पाई डी वन स्क्वायर बाय फोर, या फिर मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता लग जाए तो भी मैं डिस्चार्ज लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रेशर वैल्यूज दी हुई है इन सेक्शन पे, सेक्शन वन सेक्शन टू पे प्रेशर वैल्यूज दी हुई है, तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो प्रेशर को वेलोसिटी से रिलेट करे, है। अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन निकाला, देखो बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, प्रॉपर्टीज एट सेक्शन वन एंड प्रॉपर्टीज एट सेक्शन टू, सो प्रेशर्स वैल्यूज और वेलोसिटीज को ही रिलेट कर रहे हैं ना, सो हम ये इक्वेशन लिख लेंगे। अब देखिए पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो सेक्शन वन और सेक्शन टू का जो वाई है वो सेम होगा, ग्राउंड से जो हाइट है एलिवेशन है वो सेम होगा, तो वाई वन वाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें मुझे पी वन पता है 400 किलो पास्कल, रो पता है 1000, जी की वैल्यू सभी को पता होती है, पी टू पता है 150 किलो पास्कल, रो पता है 1000, मगर V2 की वैल्यू नहीं पता, तो इस बर्नौलीज इक्वेशन में तो दो अननोन है, दोनों ही अननोन में से कोई एक चाहिए, है ना, तो दो अननोन को सॉल्व कैसे करें सिंगल इक्वेशन से, तो आप क्या कीजिए, हम जब भी फ्लो की बात, हम लोग तो स्टेडी स्टेट फ्लो की बात कर रहे हैं ना, मैंने बर्नौलीज इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि मैंने स्टेडी स्टेट फ्लो मान लिया है, और वैसे भी यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन ही दी हुई है। कैसे, उन्होंने बोला प्रेशर एट इनलेट इज 400 किलो पास्कल, उन्होंने फिक्स कर दिया प्रेशर एट इनलेट 400 किलो पास्कल ही है, उन्होंने फिक्स कर दिया प्रेशर एट आउटलेट 150 किलो पास्कल ही है, यानी प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही, तो स्टेडी स्टेट फ्लो दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो जब भी स्टेडी स्टेट फ्लो है, जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना वॉल्यूम बाहर भी जाएगा, सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो गया, है ना, सो V1 V2 में दो इक्वेशन मिल गई है आपको। अब देखिए क्या कीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन से V2 को V1 की टर्म्स में लिख लीजिए, तो यहाँ V2 की जगह V1 आ जाएगा, अब इक्वेशन में एक ही अननोन रह जाएगा जो कि V1 है, तो एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही मुझे V1, सॉरी मैंने यहाँ पे U लिख दिया, मैं इधर V1 ही लिख देता हूँ, जैसे ही मुझे V1 V2 V1 पता लग जाएगा, सो A1 V1 जो है वो डिस्चार्ज होता है। अब जरा देखिए V2 को क्या लिखूंगा, A1 V1 / A2, मगर A1 यानी पाई D1 स्क्वायर / 4, A2 यानी पाई D2 स्क्वायर / 4, तो D1 / D2 का स्क्वायर आ गया। अब D1 कितना है 15, D2 कितना है 7.5, सो 15/7.5 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, सो ये आ गया 4V1, यानी V2 जो है 4 टाइम्स V1 है, और ये बात सही भी है क्योंकि ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है, छोटा क्रॉस सेक्शन है, सो यहाँ से यहाँ जब फ्लूइड जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाते समय V2 जो है 4 टाइम्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं चीजें वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ, P1 की वैल्यू है 400 किलो पास्कल, रो की वैल्यू है 1000, जी की वैल्यू है 9.81, साथ में V1 स्क्वायर / 2G, P2
P2 की वैल्यू है 150 किलो पास्कल, रो इज 1000, साथ में V2 कितने बराबर है 4V1 के, तो V2 का स्क्वायर है तो 16V1 स्क्वायर हो गया, 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, सो और ये वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, सो बन जाएगा 400 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 9.81 दैट इज इक्वल टू 15V1 स्क्वायर बाय 2G बन जाएगा। तो G और G कैंसिल आउट हो गया, 9.81 लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सो इससे मेरे पास V1 की वैल्यू आई है, V1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। समर बेटा देखना सही किया क्या मैंने, सो 250 इंटू 2 500 होता है, 500 डिवाइडेड बाय 15 सो अंडर रूट, सो 5.77 मीटर पर सेकंड आ रहा है मेरा जो V1 आ रहा है, 5.77 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब देखिए चाहे V1 हो चाहे V2 हो, डिस्चार्ज निकाला जा सकता है कैसे, A1 V1 करके, सो आप लिख सकते हैं पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, तो यानी कि 0.15 का स्क्वायर है ना, A1 15 सेंटीमीटर है तो 0.15 का स्क्वायर इनटू 5.77 मीटर पर सेकंड। सो ये फाइनल आंसर बन जाएगा शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 इनटू 0.15 का स्क्वायर इनटू 5.77, सो 0.1019 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर पे बेस्ड है, बस ये है कि वो इंक्लाइंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है छोटे में, जैसे वो एडवर्टीजमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं ना, जो मेन बात होती है उसको छोटा कर देते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, वैसे ही मैंने भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं जो आज आपको होमवर्क करना है, सोचना है इसके बारे में। सो पहला पार्ट जो कि बड़े कैरेक्टर्स में है, बड़ी नंबरिंग में है, वो आप सॉल्व करेंगे, और छोटा पार्ट जो नीचे दिया हुआ है वो आज घर पे बैठ के सोचेंगे। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है। अ 2 मीटर लॉन्ग पाइप इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कोई पाइप है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, टेपर्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एट द लोअर एंड, जो इस पाइप का लोअर एंड है ठीक है, ग्राउंड के पास वाला एंड, वहां डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और जो अपर एंड है वहां डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। If the installed pressure gauges at the upper and lower ends read 230 kilopascal and 200 kilopascal, lower and upper ends, upper and lower ends. So यहाँ पे pressure है 230 kilopascal, यहाँ pressure है 200 kilopascal. Determine the flow rate in meter per second. पिछला जो आंसर निकाला था समर ने मीटर क्यूब में पर सेकंड में निकाला था, मगर यहाँ लीटर पर सेकंड पूछा है, तो मीटर क्यूब को 1000 लीटर बोल सकते हैं ना। सो मीटर क्यूब पर सेकंड में जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, लीटर पर सेकंड बन जाता है। सो अगेन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया पता है, वेलोसिटी पता लग जाए तो फ्लो रेट आ जाएगा, मगर वेलोसिटी कैसे निकाले हैं, प्रेशर वैल्यूज दी हुई है, एलिवेशन वैल्यूज दी हुई है, बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको ले लिया सेक्शन 1, इसको ले लिया सेक्शन 2, दोनों सेक्शन के बीच में बर्नौली इक्वेशन लिख ली, अगर मुझे पता है कि V1 V2 दोनों ही नहीं पता बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सो हमने लिखा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब आप बोलेंगे सर आपने पीछे क्या किया, V2 को V1 की टर्म्स में लिखा था, यहाँ आपने उल्टा कर दिया, V1 को V2 की टर्म्स में लिख दिया है ना। सो मैं हमेशा क्या करता हूँ, छोटे क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी को बड़े क्रॉस सेक्शन की टर्म्स में लिखता हूँ, ऐसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैसे, अगर मैं लिख रहा हूँ V1, तो V1 क्या बन गया A2 / A1 * V2, A2 क्या है, ये क्या बनेगा D2 / D1 का स्क्वायर, D2 D1 से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 4V2, अगर उल्टा लिखते तो बन जाता V2 is equal to V1 / 4, तो वो स्क्वायर करके V1 square by 16 बनता, सॉल्व करना डिफिकल्ट होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ।
सो पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी यानी कि 16 वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस वाई वन एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप वी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहले वाई टू माइनस वाई वन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी को ग्राउंड ले लूं तो वाई वन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा और वाई टू की हाइट इतनी होगी। अब जरा देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 2 मीटर लेंथ ऑफ पाइप, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin 30 degree, तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये बन जाएगा 1 meter, है ना। सो इनलेट के रिस्पेक्ट में आउटलेट की हाइट, सॉरी इनलेट के अराउंड सेक्शन 1 के रिस्पेक्ट में सेक्शन 2 की हाइट कितनी है 1, सो y2 माइनस y1 कितना हो गया 1। सो यहां पे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 1। अब देखिए p1 कितना है 200 kPa, p2 कितना है 230, सो p2 माइनस p1 कितना होगा 30 kPa, बट किलो बाय 1000 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 30/9.81, ठीक है। साथ में ये 2g ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा और फिर आप अंडर रूट भी करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा v2 की वैल्यू बन जाएगी। सो मैं इसको सॉल्व करता हूं, v2 की वैल्यू निकालता हूं। सो मेरे पास v2 की वैल्यू आ रही है 2.3 meter per second। आई होप मेरा v2 की वैल्यू करेक्ट हो। सो डिस्चार्ज कितना बन जाएगा, a2 v2 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा पाई बाय 4 इनटू d2 स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर इनटू v2 यानी कि 2.3। अब ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू सच क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें कैन यू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर देना बहुत आसान है फ्रॉम 2 to 1, मगर थोड़ा सा घर जाके सोचिएगा, यूलर्स इक्वेशन वगैरह यूज करने की कोशिश कीजिएगा, अब तक जो पढ़ा है उसकी कोशिश करने की, उसको पढ़ने की कोशिश, उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा कि जनरली फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है ना, तो उस हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम की फ्लो डायरेक्शन कैसे बताते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है। उसके अलावा आप एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है, नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए या फोन की मदद से फोटो ले लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको, होमवर्क क्वेश्चन को। स्नैपशॉट ले लीजिए, फोन से फोटो ले लीजिए या स्निपिंग टूल यूज कर लीजिए, आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। पहला होमवर्क क्वेश्चन, सो मैं चेंज कर रहा हूं, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन, फोटो लीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से स्नैपशॉट लीजिए, स्निपिंग टूल यूज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट नोट करने बैठेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, स्निपिंग टूल यूज कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। मेरे लैपटॉप में FN प्लस प्रिंट स्क्रीन कर देते हैं और उसको पेंट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेंट में पेस्ट कर देते हैं तो अपने आप फोटो आ जाती है। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस मतलब नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में कोशिश करनी है कि पहले 20 मिनट में ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस हो जाएं। और यही वो क्वेश्चंस हैं जहां पे मेथड गलत होता है मगर फिर भी आंसर सही आता है। आप जो है सेकंड फॉर्म वाली बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं मगर इक्वेशन लगानी है फर्स्ट फॉर्म वाली। थर्ड होमवर्क क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया है। ये फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन है, कंप्रेसर का, कंप्रेसर दिया हुआ है पर कंप्रेसर का कोई फंडा यूज नहीं करना है यहां पे। बेल माउथ एंट्रेंस का मतलब होता है स्मूथ एंट्रेंस ताकि फ्लो लॉसेस कम हो। फाई की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और पानी की हाइट है 25 सेंटीमीटर इन द ट्यूब। एक होमवर्क क्वेश्चन और ले लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए होमवर्क क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लीजिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन एक और है, नोट कर लीजिए, और ये वाला है लास्ट होमवर्क।
क्वेश्चन। सो ये आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं आज के, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी देखेंगे। सो कोशिश करना है 20 से 25 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, ताकि सीधा हम मॉडिफाइड बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखें। मॉडिफाइड बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भैया बाउंड्री लेयर की इंपॉर्टेंस कितनी है। सो बाउंड्री लेयर से रिलेटेड जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन आपने देखा था है ना, मगर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें जानने होंगे। सो वो हम कंप्लीट करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाउंड्री लेयर कंप्लीट होना चाहिए और लेफ्ट फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स अगर डिराइव हो सके तो हो जाना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है ना। सो ये कोशिश करना है कंप्लीट करने का।